raise your vibrations with health and beauty. Hi friends, आज का मेरा फिर से टॉपिक है ब्यूटी। जी हाँ, इस ब्यूटी के टॉपिक में आज मेरा जो मेन फोकस रहेगा वो इन चीजों पर कि कैसे हम स्किन पर जो दाग धब्बे या फिर जो पिंपल्स होते हैं या पिंपल्स के होने के बाद जो एक्ने प्रॉब्लम्स या दाग धब्बों की प्रॉब्लम्स होती है वो कैसे हमारे फेस से रिमूव की जाए। और एक्चुअली जो भी दाग धब्बे होते हैं वो हमारे कंप्लीट कॉम्प्लेक्शन को तो इफेक्ट करते ही हैं, दिखने में भी थोड़े से अजीब ही लगते हैं, और तो और अगर वो लॉन्ग टाइम के लिए टिक जाते हैं तो हमें बहुत बुरा लगता है। तो गाइस, आज मैं आपको आसान से टिप्स बताती हूँ जिससे आपके एक्ने प्रॉब्लम्स हो या पिंपल्स प्रॉब्लम हो या फिर दाग धब्बे कहीं पर छोटे छोटे ब्राउनिश या ब्लैकिश कलर में आपके फेस पर टिक गए हों तो उन्हें कैसे रिमूव करें। जी हाँ, तो चलिए आज मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे इन चीज़ों से छुटकारा पाया जाए और DIY यानी कि होम रेमेडीज़ जो डू इट योरसेल्फ यानी कि आप खुद बना सकती हैं। तो चलिए चलते हैं पहले टिप की तरफ। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी रेमेडीज़ की तरफ। जी हाँ, यह सबसे पहले इसमें आता है जो कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और इसको आप कंटिन्यू करते रहिए अगर दाग धब्बे आपकी जगह पर फेस पर यानी कि बहुत टाइम से टिके हुए हैं और रिमूव नहीं हो रहे हैं। तो प्लीज़ गाइज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ इस वाली रेमेडी को ज़रूर ट्राई करें। इसमें तुलसी के कुछ पत्ते और पुदीने के पत्ते यानी कि मिंट लीव्स और तुलसी लीव्स को साथ में, मान लीजिए 8-10 तुलसी लीव्स 8-10 मिंट लीव्स को ले लीजिए और इन दोनों को पेस्ट बनाकर इसमें करीब 1/2 टेबल स्पून नींबू का रस यानी कि लेमन जूस इसमें मिलाकर, थोड़ा सा जलन ज़रूर होगी अगर आपको वहाँ पर एक्ने में कुछ पहले पिंपल हुआ था या क्या, लेकिन उस जलन को बर्दाश्त कीजिएगा, उस थोड़ा सा यू नो ईचिंग होगी उससे थोड़ा सा सह लीजिएगा। इसे वहाँ यानी उस प्रॉब्लम वाले एरिया पर इस पेस्ट को लगा कर थोड़ी देर के लिए रख लीजिए, 7 से 8 मिनट। अगर आपकी ईचिंग ज़्यादा बढ़ जाए तो आप रिमूव कर दीजिए, लेकिन अगर आप थोड़ा बर्दाश्त कर सकती हैं तो इस रेमेडी को, इस DIY टिप्स को ज़रूर अपनाएं और इसे डेली करें, एटलीस्ट 15 से 20 दिन इसे कंटिन्यू रखें और आप खुद रिजल्ट देखेंगे कि आपके जो एक्ने प्रॉब्लम है या दाग धब्बा या फिर कह लीजिए कि जो पिंपल्स के बाद जो छोटे से निशान रह जाते हैं वो कम्प्लीटली रिमूव हो जाएंगे, एटलीस्ट लाइट होना तो शुरू हो जाएंगे विदिन 2 वीक्स। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट रेमेडी की तरफ जो हमें पिंपल्स से बहुत जल्दी छुटकारा दिला देती है, पिंपल्स ही नहीं बल्कि एक्ने कह लीजिए या दाग धब्बों से। तो गाइज, इसके लिए आप क्या कीजिएगा कि आलू बॉईल कीजिएगा, जी हाँ पोटैटो, इसे बॉईल कीजिएगा 1 या 2 और उन्हें ठंडा कर लीजिएगा। ठंडा करने के बाद उसका जो पील यानी कि जो छिलका है उस छिलके को उतार कर उस छिलके को अपने एक्ने प्रॉब्लम या दाग धब्बों वाली जगह पर रख लीजिएगा 10 से 15 मिनट और उसके बाद फिर उसे रिमूव करके और ठंडे पानी से मुंह धो लीजिएगा। तो गाइज, ये जो तरीका है ये बहुत ही बेस्ट तरीका है, इससे भी आपके एक्ने जो है वो लाइट कॉम्प्लेक्शन में आते जाएंगे और अगर आप इसे कंटिन्यू 10 से 15 दिन या एटलीस्ट 1 मंथ करते हैं तो वो कम्प्लीटली रिमूव हो जाते हैं। तो महंगी दवाइयों से अच्छा है कि घर पर इस ट्रीटमेंट को रोज़ाना करें और फ़ायदा उठाएं। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट रेमेडी की तरफ जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव है अगर आपके दाग धब्बे या एक्ने की प्रॉब्लम या पिंपल्स की प्रॉब्लम लॉन्ग टाइम से टिकी हुई है। तो मान लीजिए कि इस वाले जो रेमेडी है इसको आपको अपनाना है, लेकिन अगर आपको पिंपल्स स्टिल हैं तो ये रेमेडी ना अपनाएं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जलन करती है। जी हाँ, पिंपल्स के ख़त्म होने के बाद के जो निशान है उस पर ये रेमेडी बहुत इफ़ेक्टिव है। तो गाइज, इसके लिए करना क्या है, हमें चंदन का पाउडर यानी कि सफ़ेद चंदन का जो पाउडर आता है नॉर्मली मार्केट में ईजिली मिल जाता है उसको 2 टेबल स्पून लीजिएगा और टमाटर जो कि हमारे घर में अवेलेबल होता है उसका रस यानी कि 2 टेबल स्पून टमाटो रस, टमाटो का जूस और नींबू का रस, जी हाँ 5 से 7 बूंद नींबू का रस, इन तीनों को मिलाकर एक पेस्ट बना लीजिए। क्योंकि नींबू के रस में और टमाटर में साइट्रिक एसिड की मात्रा होती है तो इसे लगाने के बाद थोड़ी देर हमें जलन ज़रूर होगी, लेकिन चंदन भी इसमें होता है तो वो ठंडा रखता है हमारी स्किन को, तो थोड़ी बहुत जलन तो बर्दाश्त करनी पड़ेगी। तो गाइज, ये वाला जो रेमेडी है DIY ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है, डू इट योरसेल्फ और देखिए आपको खुद बहुत अच्छा इफेक्ट मिलेगा। और आगे बढ़ते हैं इसके बाद हमारे अगले रेमेडी की तरफ। तो गाइस, जो हमारी अगली रेमेडी है ये बहुत ही आसान है और विंटर में तो स्पेशली हम कर ही सकते हैं क्योंकि विंटर में हनी सबके घर में इजीली अवेलेबल हो जाता है। और अगर आपको एक्ने का प्रॉब्लम है तो
तो ये आप कहीं पर भी बैठे हुए थोड़ा सा हनी आपको लेना है एक स्पून में, और उस स्पून में फिंगर की मदद से या फिर कॉटन बॉल्स की मदद से आप अपने एक्ने या ब्लैकेज जो आपके स्पॉट हैं उस वाली जगह पर उसे लगाइए। थोड़ी देर आप उसे हल्के हल्के मसाज कीजिए और रहने दीजिए। करीब 25 से 30 मिनट बाद, क्योंकि शहद या हनी जो है वो ड्राई नहीं करता स्किन को, इसलिए 25 से 30 मिनट उसे रहने दीजिए। उसके बाद गुनगुने पानी से, जी हाँ, वार्म वाटर से आप अपना फेस वॉश कर लीजिए। ये बहुत ही इफेक्टिव है, हनी आपको बहुत जल्दी एक्ने प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाएगी। तो गाइज इसे भी अपना कर देखिए और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए ज़रूर कि आपको कौन सी रेमेडी इफेक्टिव लगी, कौन सी। तो गाइज़ ये जो लास्ट वाली रेमेडी है ये भी बहुत इजी है, लेकिन इसके लिए आपको मार्केट से एक चीज़ ज़रूर लानी पड़ेगी, लाल चंदन, रेड संदल का जो पीस आता है या जो पाउडर आता है उसे आप मार्केट से लेके आइएगा, और बहुत इजीली प्रोविज़न स्टोर्स पे या ग्रोसरी स्टोर्स पे मिल जाएगा। तो ये रेड चंदन को आप घिस कर इसका थोड़ा सा पेस्ट बना लीजिए और इसे अपनी एक्ने या फिर स्पॉट वाली जगहों पर लगा लीजिए और फिर इसे ड्राई होने दीजिए। जब ये पूरी तरह से सूख जाए तो फिर इसे नॉर्मल वाटर से वॉश कर लीजिए। तो लाल चंदन जो है ये भी बहुत जल्दी हमें एक्ने प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाता है। तो गाइज कोई भी रेमेडी जो आपको सूटेबल लगे, जो भी आपके घर में अवेलेबल हो चीज़ें, उसे ट्राई करें और मुझे लिखें कमेंट बॉक्स में कि आपको ये रेमेडीज़ कैसी लगी। और अगले वीडियो में मैं आपके लिए लाऊंगी कि विंटर से कैसे बचाव किया जाए अपनी स्किन को, विंटर के लिए क्या टिप्स हैं हमारी स्किन के लिए, बहुत ही इजी वाले टिप्स DIY हैक्स की तरह, तो मैं उन्हें लेकर आऊँगी। तो वेट कीजिए। तो गाइस वीडियो को यही एंड करती हूँ। सारे टिप्स जो मैंने आपको बताया DIY हैक्स हैं और ये होम रेमेडीज हैं, कम्प्लीटली हर्बल हैं, आप इन्हें घर पर ट्राई करें। अगर आप दाग धब्बे या फिर एक्ने प्रॉब्लम्स या पिंपल्स के होने के खत्म होने के बाद वाले जो दाग रह जाते हैं, निशान रह जाते हैं ब्लैक वाले, उनसे अगर आप परेशान हैं तो ये वाले सारे हैक्स, ये वाले सारे टिप्स आप ट्राई कीजिएगा। मैं खुद एक सर्टिफाइड ब्यूटिशियन हूँ, मैंने ये सारे टिप्स अपने बहुत सारे क्लाइंट्स को दिए हैं, आप भी इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर अपनी स्किन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या कुछ भी क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको ज़रूर सॉल्व करूँगी और ज़रूर आपके आंसर्स दूँगी। तो गाइज तब तक के लिए मैं यही कहूँगी कि बस खुद को हेल्दी रखिए, वेट मेंटेन रखिए, स्किन को ग्लो करने के लिए आगे और भी बहुत सारे मैं वीडियो बना रही हूँ, विंटर में स्किन को ग्लो कैसे करना है, सनस्क्रीन यूज़ करना है कि नहीं करना है, ये सब बातें और बहुत सारी पॉइंट्स हैं जो मैं आपको आगे हर वीडियो में बताती रहूँगी। इसके अलावा गाइज मैं आज तहे दिल से बहुत ही हार्टली थैंक्स करती हूँ आप सबको जिन्होंने मुझे लाइक किया, कमेंट किया और शेयर कर रहे हैं बहुत सारे वीडियोस मेरे। तो गाइज इसी तरह लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कर रहे हैं और करते रहिए और मुझे इसी तरह इंकरेज करते रहिए, क्योंकि जब आप लोग इंकरेज करते हैं और व्यूज बढ़ाते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है कि हमें कुछ अच्छा कर रहे हैं और कुछ अच्छा आगे बहुत करना भी है। तो गाइज तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।